seems that the opposition is divided over center's decision to confer LK Advani with India's highest civilian award, the Bharat Ratna, expressing happiness over the center's decision. NCP President Sharad Pawar says that he's contributed significantly towards the development of the nation. He also asserted that even though he and Advani subscribed to different political ideologies, the BJP leader was a good parliamentarian and a union minister. Let's first up listen in to Sharad Pawar. अडवाणी देवी उनकी राजनीतिक विचारधारा ये हम इनसे सिवा सहमत हो नहीं सकते, मगर व्यक्तिगत जीवन में एक साफ सुथरी जीवन उन्होंने राजनीति की। वो संसद में एक अच्छे सदस्य थे और भारत सरकार में एक अच्छे मंत्री थे और उन्हें ये जो सम्मान दिया मुझे लगता है कि ये सम्मान उचित है। And then there's Farooq Abdullah's loyalist who believes that Advani laid the foundation of polarization. Asaduddin Owaisi, in the meanwhile, claims that Advani's Rath Yatra led to riots in India. Several other reactions coming in from the opposition camp, quite against this decision of the government. Listen in. ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है, खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। इस देश के 40 बरस तकरीबन 40 इयर्स, चार दशक उस विवाद में गए हैं। हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे अडवाणी जी, मंदिर मस्जिद विवाद। बहरहाल अब तो मुझे लगता है कि क्या ही कहें, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यात्रा गई, वहां पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई, और अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इससे देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? और इससे बढ़कर लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो मोहम्मद अली जिना की खबर पर जाकर उन्होंने जिना की तारीफ में कलमात लिखे थे। आप ऐसे आदमी को अवार्ड दे रहे हैं जो जिना की तारीफ किया, तो इससे आपका ये सो कॉल्ड नेशनलिज्म दिखता है। हम जो अवार्ड दिया गया है, हम समझते हैं कि ये हमारे अवार्ड की तौहीन है। नेशनल एडिटर अमित कुमार जॉइन्स अस ऑन द फोन लाइन। अमित, काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आ रहे हैं विपक्ष से, जहां शरद पवार ने खुले तौर पे स्वागत किया है मोदी सरकार के निर्णय का भारत रत्न देने का एलके आडवाणी जी को। वहीं पे काफी है विपक्ष में जो राम मंदिर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एलके आडवाणी ने जो भूमिका निभाई उसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सिर्फ देश बांटने का काम किया है, सिर्फ 2024 इलेक्शंस को नजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले तक विपक्ष ये कह रहा था कि लालकृष्ण आडवाणी को इग्नोर कर रही है पार्टी, और खास करके नरेंद्र मोदी जो है वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं, पार्टी में दरकिनार कर दिया, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और आज जब सम्मान दे दिया जा रहा है तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है। कुछ दिन पहले अगर आप कर्पूरी ठाकर की बात करें तो यही विपक्ष के, चाहे अखिलेश हो या तेजस्वी हो, तमाम लोग कह रहे थे कि ये उनका डिमांड था, उनके बहुत दिनों से इस बात को लेकर था कि कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया जाए, इसलिए सम्मानित किया गया। अब लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया गया तो उस पर सवाल खड़े करेंगे। तो ये विपक्ष की राजनीति है, उनकी अपनी राजनीति है। और अगर आप बीजेपी की बात करें, आज बीजेपी सत्ता में है और एक लंबे संघर्ष के बाद इस पोजीशन पे आई है, और उसके पीछे एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है तो उसमें कहीं ना कहीं वो लालकृष्ण आडवाणी का है। और एक एक, एक, एक सुचेता वाली राजनीति हमेशा लालकृष्ण आडवाणी ने की है, उनका एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। और पार्टी तय करती है, सरकार जो है वो तय करती है किसको देना है। जब मिला, उनको दिया गया, उस वक्त कई लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन अब क्योंकि अब सामने चुनाव है, उसमें नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी ट्वीट करके, तो एक विरोध करना था तो उसकी विरोध हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि राजनीति का एक हिस्सा है, जब आप अपनी विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं और आपको नरेंद्र मोदी का और दूसरी पार्टी का जो दूसरे सत्ता पक्ष के हैं उनका विरोध करना है, तो एक विरोध की राजनीति का हिस्सा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अगर आप देखिए, शरद पवार समर्थन में है, नीतीश कुमार हालांकि अब एनडीए के पार्टनर है। 2024 के
चुनाव के बिना तो खेली नहीं जा सकती, इसीलिए उसका भी जिक्र बार बार हो रहा है। अमित, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। द बीजेपी ऑफ कोर्स हैज हेल्ड एलके अडवाणी एज समवन हुज मेड ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन इन द नेशंस ग्रोथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लॉन्ग पॉलिटिकल जर्नी, एंड रिस्पॉन्डिंग टू द ऑपोजिशन लीडर्स कॉमेंट्स, द बीजेपी हैज डिक्राइड अटेम्प्ट्स टू पोलिटिसाइज नेशनल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न। विरासत के आधार पर सियासत में आए अखिलेश यादव जी पिता के दम पर उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अपने दम पर कोई चुनाव जीता नहीं पाए, और अब आडवाणी जी के भारत रत्न दिए जाने पर आज जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है बहुत निंदा योग्य है। आडवाणी जी ने राजनीति में एक ऐसा जीवन जिया है जिसकी आज पूरी राजनीतिक बिरादरी ने मिलकर के सराहना की है, लेकिन ऐसे अवसर पर भी आज अखिलेश यादव का ये रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निराशा उत्पन्न करने वाला रहा। भारत रत्न जैसा सम्मान ये किसी भी राजनीतिक तूतू मैमे और इस प्रकार की ओछी टिप्पणियों से ऊपर होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से मुझे गर्व होता है कि देश के इतने बड़े नेता, उनको सही पुरस्कार और सम्मान दिया गया है। कुछ दिन पहले यह हमारा सौभाग्य था कि कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा, उनको भी बड़े विलंब समय के बाद इस सम्मान से नवाजा गया। तो मुझे लगता है कि कम ऐसे सम्मानों को राजनीति के भीतर और राजनीति के मैदान में घसीटना ये बहुत ही मुझे लगता है अनुचित है। It seems that the opposition is divided over center's decision to confer LK Advani with India's highest civilian award, the Bharat Ratna. Expressing happiness over the center's decision, NCP President Sharad Pawar says that he's contributed significantly towards the development of the nation. He also asserted that even though he and Advani subscribed to different political ideologies, the BJP leader was a good parliamentarian and a union minister. Let's first up listen in to Sharad Pawar. अडवाणी जी, उनकी राजनीतिक विचारधारा ये हम इनसे सिवा सहमत हो नहीं सकते, मगर व्यक्तिगत जीवन में एक साफ सुथरी जीवन उन्होंने राजनीति की। वो संसद में एक अच्छे सदस्य थे और भारत सरकार में एक अच्छे मंत्री थे, और उन्हें ये जो सम्मान दिया मुझे लगता है कि ये सम्मान उचित है। And then there's Farooq Abdullah's loyalist who believes that Advani laid the foundation of polarization. Asaduddin Owaisi in the meanwhile claims that Advani's Rath Yatra led to riots in India. Several other reactions coming in from the opposition camp quite against this decision of the government. Listen in. ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। इस देश के 40 बरस तकरीबन 40 इयर्स, चार दशक उस विवाद में गए हैं, हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे आडवाणी जी, मंदिर मस्जिद विवाद। बहरहाल अब तो मुझे लगता है कि क्या ही कहें, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यात्रा गई, वहां पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई, और अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इससे देश को क्या पैगाम दे रहे हैं, और इससे बढ़कर लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो मोहम्मद अली जिना की खबर पर जाकर उन्होंने जिना की तारीफ में कलमात लिखे थे। आप ऐसे आदमी को अवार्ड दे रहे हैं जो जिना की तारीफ किया, तो इससे आपका ये सो कॉल्ड नेशनलिज्म दिखता है। हम जो अवार्ड दिया गया है, हम समझते हैं कि ये हमारे अवार्ड की तौहीन है,